स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल हनी नूब में। तो आज मैं आपके लिए दो नए स्मार्टफोन लेकर आया हूँ जो कि कल लॉन्च होने वाले हैं ओप्पो की तरफ से, ओप्पो F19 Pro एंड ओप्पो F19 Pro Plus। तो आइए हम इस फोन के कुछ फीचर जान लेते हैं जो कि आपको इन फोन्स में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 6 GB RAM मिलेगी, उसके बाद MediaTek Helio P95 का प्रोसेसर मिलेगा, उसके बाद 4 रियर कैमरे मिलेंगे, 48 MP 8 MP 2 MP एंड 2 MP। उसके बाद फ्रंट कैमरा 16 MP का मिलेगा, बैटरी 4310 mAh की मिलेगी। उसके बाद जो डिस्प्ले है वो रहेगा 6.43 इंच का। उसके बाद यहाँ पर आपको जनरल फीचर मिल जाएंगे, यहाँ पर ये फ़ोन एंड्रॉयड 11 पर काम करेगा। यहाँ पर आपको कस्टम UI कलर OS की मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है डिस्प्ले के फीचर मिल जाएंगे, स्क्रीन साइज 6.43 इंच की मिलेगी, उसके बाद स्क्रीन रेशियो 1080x2400 तक का मिलेगा, फिर डिस्प्ले टाइप सुपर एमोलेड मिलेगा। वाओ, मतलब गेम खेलने में मज़ा ही मज़ा आएगा। फिर यहाँ पर परफॉर्मेंस के कुछ फीचर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर 256 GB का एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। फिर यहाँ पर कैमरा के फीचर मिल जाएंगे, इमेज रेशियो 8000x6000 का मिलेगा। उसके बाद कैमरा फ्रंट कैमरा के फीचर मिल जाएंगे, उसके बाद जो है बैटरी के फीचर मिल जाएंगे, 4310 mAh की लॉन्ग टाइप की बैटरी रहेगी, क्विक चार्ज मिलेगा, फास्ट 4.0 वोल्ट का 30 वाट वाला फ्लैश। उसके बाद USB Type-C मिलेगा भैया। उसके बाद नेटवर्किंग के फीचर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मल्टीमीडिया में लाउड स्पीकर मिलेगा, आइडियो जैक 3.5 mm का मिलेगा, फिर आपको स्पेशल फीचर मिल जाएंगे। तो आइए अब हम इस फोन के कुछ फोटोग्राफ देख लेते हैं। तो ये फोन दिखने में कुछ इस टाइप से दिखेगा। बहुत ही कमाल का काम किया है इसमें ओप्पो ने, ये देखिए। तो इतना अच्छा फोन आपको केवल 21,990 रुपये में मिलेगा। मतलब अगर आपका बजट 20,000 से 22,000 के
बीच है तब आप लोग ओप्पो F19 प्रो को केवल 21,990 रुपये में ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट फ़ोन की तरफ चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट फ़ोन है वो है ओप्पो F19 प्रो प्लस। ज़रा सर ये टॉप मॉडल है और ये 3 मॉडल्स में आने वाला है। जो इसका बेस मॉडल है वो 11 मार्च को आने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं ओप्पो F19 प्रो प्लस के फीचर। ये जो टॉप मॉडल है तो उसके कुछ फीचर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 8 GB रैम मिलेगी, मीडिया टेक डिमेंसिटी 800U, MT 6853V का प्रोसेसर मिलेगा, ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा, 64 MP, 8 MP, 2 MP। उसके बाद फ्रंट कैमरा जो है 32 MP का मिलेगा। उसके बाद जो बैटरी है वो रहेगी 4500 mAh की। उसके बाद जो डिस्प्ले है वो रहेगा 6.43 इंच का। उसके बाद ये फ़ोन आपका एंड्रॉयड 11 पर काम करेगा और यहाँ पर आपको कलर ओएस की कस्टम UI मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जनरल फीचर के अंदर था ये, फिर यहाँ पर डिस्प्ले के फीचर मिल जाएंगे, 6.43 इंच की स्क्रीन मिलेगी। उसके बाद स्क्रीन रेशियो 1080x2400 तक का मिलेगा। उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो 20:9 का मिलेगा। उसके बाद डिस्प्ले टाइप यहाँ पर भी आपको सुपर एमोलेड मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस के फीचर मिल जाएंगे और यहाँ पर भी अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। उसके बाद 256 GB का आप लोग यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। फिर यहाँ पर कैमरा के फीचर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर इमेज रेशियो 9000 से 7000 का मिलेगा। उसके बाद फ्रंट कैमरा के फीचर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बैटरी के फीचर मिल जाएंगे, 4500 mAh की लॉन्ग टाइप की बैटरी रहेगी, क्विक चार्ज मिलेगा फास्ट 30 W का, फिर USB टाइप सी मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नेटवर्किंग के कुछ फीचर मिल जाएंगे और यहाँ पर मल्टीमीडिया में लाउड स्पीकर मिलेगा और ऑडियो जैक 3.5 mm का मिल जाएगा। उसके बाद आपको स्पेशल फीचर मिल जाएंगे। तो आइए अब हम इस फोन के कुछ फोटोग्राफ देख लेते हैं। मतलब बहुत ही कमाल का फोन ओप्पो ने निकाला है और सबसे अच्छी बात ये एंड्रॉयड 11 पर काम करेंगे दोनों फोन्स। तो ये देखिए शानदार क्लासिक लुक के साथ आपको दोनों फोन्स मिलेंगे। तो अगर आपका बजट
केवल 20,000 से 25,000 के बीच है, तब आप लोग ओप्पो F19 प्रो प्लस को केवल 24,990 रुपये में ले सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पीछे की आवाज़ों को अवॉइड करें। और ये दोनों फ़ोन कल लॉन्च होने वाले हैं 8 मार्च 2021 को।